एक 3D डेल्टॉइड बनाना है तो अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 7, 8, 9 चलो ड्रेन ड्रोन ही ड्रेन। हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब? अच्छे ही हो गए। इधर है साथ में स्नेहा। तो आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, हमने करा था साथ में ट्राइसेप वर्कआउट। बैक की वीडियो डल गई थी, चेस्ट की वीडियो डल गई थी, बाइसेप की डल गई थी, ट्राइसेप की डल गई थी। तो आज आप देखोगे यार शोल्डर वर्कआउट की, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज मेरे साथ में इनके ऊपर बताऊंगा, अगर आपको ऐसे शोल्डर बनाने, मतलब ये तो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, अगर ऐसे हैवी शोल्डर बनाने हैं तो वीडियो को एंड तक देख लेना। देखो, और मैंने अपने जिम में एक नई चीज़ ऐड कर दी है, ये देखो यहाँ पे लगा दिया है मैंने इधर बोर्ड, और यहाँ पे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जैसे मैंने भी एज अ शुरुआत बिगिनर करी थी, ये भाई हमारे एज अ बिगिनर आए थे जिम के अंदर, इन्होंने देखो इस तरीके से, पावन भाई ने जब बिगिनर थे, चीकू भाई जब बिगिनर थे, और जब हमारे इधर कार्तिक भाई बिगिनर थे, इन्होंने करी। तो जो सीरियस होएगा यार, देखो हर कोई शुरुआत ऐसा बिगनर करता है, और बिगनिंग जो होती है ना वो थोड़ी मुश्किल होती है यार। बेशक गाड़ी चलाना सीखना हो या बेशक बाइक चलाना सीखना हो तो स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, बेशक बिजनेस हो, जॉब में जाओगे स्टार्टिंग में मुश्किल होगी यार, हर एक चीज़ बिगनिंग में मुश्किल होगी। जैसे कि यार पहली बार किसी लड़की के साथ करोगे मतलब बातें, तो वो भी स्टार्टिंग में मुश्किल लगेंगी, पहली बार किसी से मिलोगे तो वो भी मुश्किल लगेगा। मेरा कहने का मतलब है शुरुआत हमेशा मुश्किल है, और उसमें अगर लगे रहोगे तो वो चीज़ आसान हो जाती है। तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग है, जिम है, या कोई भी स्पोर्ट्स है, तो बस हमें रुकना नहीं है, लगे रहना। जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वो तुमने वीडियो में आना ही नहीं आना, छोड़ के जाऊँ, ठीक है? तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे भी फॉलो करिए, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मोटिव ही यही था कि सिंपल लैंग्वेज में सबको ईजी से समझा सकूँ। बस ये हमारे तीनों मसल्स हैं, इसको अच्छे से ट्रेन करना है, और मार्क अपना ट्रैप्स मसल को अच्छे से ट्रेन करना है, और कुछ नहीं करना, अच्छे से इस पर मेहनत करनी है, हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, फील करके करना है, बढ़िया इसके अंदर से। बेशक लड़कियाँ देख रही हैं, जैसे कि लड़कियाँ वीडियो देखती हैं, 50 से 70 हज़ार लड़कियाँ वीडियो देखती हैं, नहीं ज़्यादा हो गए, 5 या 7-10 लड़कियाँ जितनी भी वीडियो देखती होंगी तो वो भी देख सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। शोल्डर वर्कआउट ऐसा नहीं कि खाली लड़के ही कर सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज करके दिखाइए जी, शोल्डर प्रेस फ्रंट, रोड को उल्टा करो। ओ माय गॉड, व्हाट अ स्टाइल, थोड़ी सी ग्रिप को बाहर, चलो स्टाइल कैसे बहुत खजाना। 1, पूरा ऊपर, 2, पूरा ऊपर, अच्छे से 3, हाँ बहुत बढ़िया, 4, अच्छे से आन दो, 5, ये एक और, ठीक है गाइस। इसके 8, 10, 12 रेपिटेशन अपने रख लेने हैं, 4 सेट्स रखने हैं, वेट धीरे धीरे करके बढ़ा लेना। अभी आपने खाली रोड से ले लिया तो हर सेट, बेशक आप जैसे कि वर्कआउट कर रहे हो, अपना इसको इस तरीके से पकड़ा, ठीक है, ये लूज नहीं छोड़ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जैसे इसके हो जाएंगे अपना वेट बढ़ाया, वेट खुद बढ़ाना, वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बता सकता कि इतना वेट बढ़ा, सबकी स्ट्रेंथ अलग है। कोई सीधा 10 से, मैं सीधा 10 किलो से स्टार्ट करता हूँ, 10-10 डाल के टोटल हो गया 40 किलो, कई लोग 2.5-2.5 किलो से भी स्टार्ट करते हैं, कोई 5 किलो से भी स्टार्ट करते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट बढ़ा लेना। अब इनको खाली रोड भी हैवी लग रही थी, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। सेकंड एक्सरसाइज दिखाता हूँ, अरे सेकंड एक्सरसाइज होगी तो अपना इस तरीके से डंबल रखने हैं, साइड रेस यार, हर कोई नॉर्मल साइड रेस तो हम ये नॉर्मल तो सब करते ही करते हैं, ये ट्राई करके देखो। मैं खुद अपने इसको शेड्यूल के अंदर रखता हूँ और किसी को भी करवा देता हूँ, मज़ा आ जाता है। देखो किस तरीके से करना है, एक साइड होल्ड करा, जैसे कि आपने गुरुजी की वीडियो में भी देखा होगा, गुरुजी ने सिखाया था, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, इसको जरूर ट्राई करना आज ही, बेशक शोल्डर वर्कआउट और ट्राई करना, इसको होल्ड करा। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6, 10, 11, 12, 15, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 22, 23, 24, 25. अब लेने हैं 20 रैप्स साथ में ही, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20. देखो एक सेट किया है, इतना पंप हो गया, क्या बताऊं आप लोगों को। इसके खाली 2 सेट रखने हैं और 2 सेट अपने नॉर्मल रख लेना, इसको ट्राई करना। आ गया पंप, खतरनाक पंप। इनका भी देख लो जी, थोड़ा सा दिखाइए जी, पंप हो गया बिना करे। वाओ, नाइस पंप।
सो यार जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, अब इसको हमने ट्रेंड कर लिया, इसको ट्रेंड कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा अब रियर डेल्ट्स को हम ट्रेंड करेंगे अच्छे से। एक 3D डेल्टॉइड बनाना है तो अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसकी मैं रखता हूँ सुपर सेट ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया है, आप जरूर इसकी ट्राई करिए। 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ कौन कौन से आप रख सकते हो, 2 के सुपर सेट रख सकते हो, एक तो फेस पुली, ठीक है, और वहाँ पे जो आप करते हो पैक डेक फ्लाई पे उस पर उल्टा बैठ के अपना रियर डेल्ट फ्लाई ले लेना, वो भी बढ़िया है, और डंबल से भी कभी कभार रख सकते हो। ये देखो डंबल से बेंट ओवर लैटरल रेस 1, ये 2, ये 3, और जो सुपर सेट ट्रेनिंग रखेंगे बेशक आप फेस पुली के साथ डंबल के साथ भी रख सकते हो, ये अपना रियर डेल्ट फ्लाई भी रख सकते हो, करके दिखाता हूँ। चलो जी लगवाओ जी, ये ट्रेनर है, बहुत दूर से इनको मंगवाया है, ये सीढ़ियों के बस नीचे ही रहते हैं, तो बस इनको बुला लियो, पर नीचे इनका सलून है, मैंने कहा कि आओ जी ट्रेनिंग करवाने मुझे। 1, 2, 3, 6, पीछे से दिखा, बगल के बाल नहीं दिखाने। जैसे ही इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी सुपर सेट ट्रेनिंग करनी, आ जाओ भाग के, चलो चलो फटाफट करो, टाइम नहीं है। इस तरीके से बैठ के, ठीक है, हल्के से पीछे तक आपको हिप्स बाहर निकालने, आगे की तरफ इसको बैंड होना है। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो अपने डंबल से कर लेना जरूर इसको सुपर सेट ट्रेनिंग। 1, 4, 9, 14, 15, 16। और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मजाक भी रखता रहता हूँ कि अच्छा लगता है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, आप एक कमेंट करते हो तो मेरे चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। समझ आ गया था ना आपको जैसे मैंने समझाया था? हाँ जी बिल्कुल समझ आ गया था जी। और बताओ एक्सरसाइज का नाम तो बता दो जो नेक्स्ट करनी है। ये बताओ, ये बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कौन सी, ये क्या तितली है बटरफ्लाई, ये तो हमने कर ली, अगली एक्सरसाइज का नाम बताओ ना तुम। अगली मैं बताती हूं ना, यही बताओ ना सबको, यही बताओ, आओ फॉलो, देखता हूं बताते नहीं बताते, मैं हूं आपको बताओ क्या। तो वैसे जो हमारा फोर्थ वर्कआउट रहेगा, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, इसके अंदर से कोई से भी रख लो, या तो अपराइट रोइंग रख लो, इधर लेंगे अपराइट रोइंग, आप इधर देख सकते हो, या तुमने केबल क्रॉसओवर मशीन पे होती है, मैं शॉट डाल देता हूँ, केबल क्रॉसओवर मशीन पे अपना सिंगल आर्म रेस रख लो, ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसका क्या होता है, पूरे हमारे मिडल डेल्ट पे एक अलग ही पंप आता है, इसको आप ट्राई करके देखिए, इन दोनों में से कोई सी भी रख लो, फोर्थ एक्सरसाइज बढ़िया रहेगी आप लोगों के। ये 1, हाँ ये ऊपर जान दो, ये पूरा 2 अच्छे से, हाँ ये 3, ये 5, ये 8, बस रखो इसको, या तो अपना इसको रख लो। इसके अंदर क्या है, हल्के से जो हमारी ग्रिप बाहर होती है इससे थोड़ी सी अंदर पकड़नी है, चेस्ट बाहर बैक स्ट्रेट, ये 1 नीचे स्लो, ये 2 नीचे स्लो, ये 3 नीचे स्लो, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ फिफ्थ वर्कआउट। सो गाइस यार जो हमारी फिफ्थ वर्कआउट है, तो इधर रखेंगे यार डंबल फ्रंट रेस, डंबल फ्रंट रेस रख लो या बारबल फ्रंट रेस रख लो। अब द्वार से इस मसल को हम ट्रेन करेंगे, काफी बढ़िया एक्सरसाइज है, सिंपल की सिंपल है। चीकू भाई डंबल से करके दिखाओ, सारी हाइट तुम ही नहीं ले ली क्या चीकू, छोटे लग रहे हैं। चीकू भाई अब छोटे छोटे से लगते हैं, चीकू भाई का काफी लंबा है यार, आर्म्स के मसल वगैरह, शोल्डर मसल, चलो लंबे ही है मसल, देख लो हमारे देखो छोटे मसल है, इनका कितना लंबा है, देख ही नहीं रहे मिरर में। चलो सीधा एकदम पूरा, हाँ 1, 2, 3 आराम से, 5, 6 कैमरा के ऊपर लेके जा रहे हो, 7, 8, 9 तुम बिल्कुल खाली हो। वो सीढ़ी लगा लो ना एक चीकू भाई के लिए। ओह माय गॉड, ड्रेन मंगवाया, चलो ड्रेन ड्रोन नहीं ड्रेन, हाँ ड्रेन, जैसे वो नहीं होता उसको जब कपड़े सुखाने होते हैं ड्रेन, वही वाला ड्रेन मंगवाया, ठीक है गाइस मजाक से हट के, या तो डंबल से फ्रंट ड्रेन ले लेना या अपना बारबल से फ्रंट ड्रेस। देखो इन दोनों में से कोई से भी रख लो अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज, ठीक है, दोनों का कह रहा हूँ बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट रहेगा। सो गाइस हमारी जो सिक्स एक्सरसाइज है अपना इधर रखेंगे शख्स, हाँ जी कर लेंगे क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ। ट्रेनर ट्रेनर मारे, ट्रेनर हमारे थक चुके हैं, ठीक है ट्रेनर टाइम पास कर रहे हैं, तो अपना इसको रख लीजिए शख्स, जो हमारे ट्रैप मसल को ट्रेंड होंगे,
और अगर आपका दिलों की और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है तो अपना डंबल प्रेस वगैरह भी ले सकते हो, 6 या 7 एक्सरसाइज कर लो, बहुत रहेंगे आपके लिए। 5 से 6 एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शोल्डर के साथ एब्स की किसी दिन ट्रेन कर सकते हो। थाई के साथ अगर आप शोल्डर ट्रेन करोगे तो अपना इसके 5 एक्सरसाइज रख लेना। खाली सिंगल शोल्डर कर रहे हो तो 6 से 7 एक्सरसाइज रख लेना। जब एक अच्छे शोल्डर्स होंगे आपके, जब एक अच्छे शोल्डर होंगे तो यार जब आप मैन सीधे कॉम्पिटिशन वगैरह खेलोगे इसके अंदर बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नहीं जी बस थैंक यू। इसके अंदर वेट है भी, ये होल्ड ये गए नीचे, ये 2 ये अच्छे थे, ये 3 ये नीचे थे, ये 4, 10, 11, 12 सबके 4-4 सेट्स रखने हैं। 8 से ऊपर रेपिटेशन जाने हैं, 12 रेपिटेशन जाने हैं, 16 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट हैवी मारा, मैं वेट आपको बढ़ाऊंगा, 4-4 सेट वीडियो में नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको इसके अंदर ही जो वेट डला होता है उसी से करके दिखा देता हूँ। तो बस हमारा शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट होता है। थैंक यू बोलते हैं हमारे जो मॉडल्स आते हैं वीडियो में। इधर चीकू भाई फ्लैक्स करके दिखाओ, बढ़िया जाइए।